हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिल्पीज किचन। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में कोई गर्मा गर्म स्नैक या ब्रेकफास्ट हमारे पास सर्व करे तो मजा आ जाता है, और वो भी एकदम चटपटा। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो जेनी स्नैक्स है, और जेनी स्नैक्स कैसे है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज जो स्नैक्स हम बनाने वाले हैं वो केले से बनाएंगे। ये मैंने आधा किलो केले लिए हैं। अब इन केलों को सबसे पहले इनका ये पार्ट निकाल देंगे आगे और ये पीछे का, और इनको हम इस तरीके से छील लेंगे। एकदम साफ हमें छीलना है इस तरीके से। देखिए केले हमने एकदम से छील लिए हैं। अब हमको इनके दो पार्ट करने हैं बीच से। ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि केले छीलने के बाद काले होने लगते हैं। बीच में से इस तरीके से कट किया, इस तरीके से हमें लंबे लंबे इसके पार्ट कट करने हैं। अब आप समझ गए होंगे ये जेनी स्नैक्स कैसे हुआ, क्योंकि जैन लोग आलू नहीं खाते हैं, केला खा सकते हैं। वो जमीन से जुड़ी हुई कोई भी स्नैक्स नहीं खाते हैं, इसलिए जैसे हम फ्रेंच फ्राइज कट करते हैं बस उसी तरह से हमें ये कट करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि ये जैसे जैसे हम काटते जाएंगे ज़्यादा देर हो जाएगी तो हमारे बनाना काले पड़ जाएंगे। ये देखिए ये हमारे सारे केले कट हो चुके हैं। इसको मैंने एक बोल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इन कटे हुए केलों में डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब मैदा, 1 टेबल स्पून डालेंगे बेसन, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, नमक स्वादानुसार। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं 2 स्पून की सहायता से इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। जिससे इनके ऊपर अच्छे से ये सारा बेस चिपक जाए। अब हम इनको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 30 मिनट बाद देखिए इसने अपना मॉइस्चर छोड़ दिया है। मैंने इसमें पानी की एक बूंद भी यूज नहीं की है, ये अपने आप ही इसका मॉइस्चर है, ये इसमें अच्छे से चिपक गया है। जब भी हमें कभी स्नैक्स खाने का मन करे ये आसान सी रेसिपी आप घर पर बना सकते हैं। चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल जब देते हैं तो उसका अच्छे से झेप निकाल दें, सारा धुआं निकल जाने दें। स्टार्टिंग में हम गैस को फुल फ्लेम पर रखेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये धीरे धीरे सारे स्नैक्स डालते जाएंगे। एक बार में जितने आ जाएंगे उतने ही हम इसमें डालेंगे। ऐसे पलटते हुए इनको फ्राई करेंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में। ये देखिए फुल फ्लेम पर ही ये हमने फ्राई कर लिए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हम इनको नैपकिन पेपर के ऊपर निकालेंगे जिससे जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसमें निकल जाए। ऐसे ही हम दोबारा भी डाल देंगे। लीजिए तैयार हो गए हमारे
फ्रेंच फ्राइज। लीजिए, हमारे कुरकुरे चटपटे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। भाई, जो लोग फ्रेंच फ्राइज खाना चाहते हैं लेकिन आलू नहीं खाना चाहते, उनके लिए ये स्पेशल स्नैक्स। इनके ऊपर आप चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते, खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी है। यकीन मानिए, अगर आपने ये एक बार केले के बने हुए ये फ्रेंच फ्राइज खा लिए ना, आप आलू के खाना भूल जाएंगे। ये देखिए, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। घर में खाइए, घर में बनाइए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।